अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक, और क्योंकि ट्रैवल हो नहीं रहा था, चीज़ें जो है मैनेज नहीं हो पा रही थी, पेट्रोल के रेट इतने हाई थे कि मैं कोई विज़िट नहीं कर पा रहा था। एंड फाइनली फिर मैंने सोचा कि यार एक जगह है कराची के बीच में, उसको ज़रा एक्सप्लोर किया जाए, आप लोगों को भी दिखाता हूँ द नेचर द ब्यूटी एंड द ऑल थिंग इन मिड ऑफ द कराची सिटी। इसके साथ साथ जो लोग ने अभी ज्वाइन नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आप लोगों को व्यूज़ चेक कराता हूँ, अमेजिंग व्यूज़ हैं यार, मतलब आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि यार बीच सिटी में ऐसी बेहतरीन नज़ारे हैं। और सेकेंडली यहाँ पे जो आने का जो रास्ता है वो गूगल मैप पे सिंपल डालें कराची किडनी हिल पार्क या कुछ भी इस तरह से लिखेंगे, वो सब ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन आपको आ जाएगी और आप इजीली आप आ सकते हैं। अच्छा तो नाज़रीन बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि फुल शाम का माहौल है, आई होप कि हमें सनसेट देखने को मिल जाए। और मैंने क्योंकि काफ़ी देखा था लोग अप्रिशिएट करते इस जगह की, तो मैंने सोचा है थोड़ा ख़ुद से भी एक्सप्लोर किया जाए इस जगह को, और देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। एक फ्रेंड ने कहा था कि इसमें ट्रैकिंग भी है, ट्रैकिंग मुझे नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से हम चलते हैं, इधर से देखते हैं कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर से फिर वो रास्ता, तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है। सिक्योरिटी इशू अल्हम्दुलिल्लाह, सो अब आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। सीधा सीधा हम पटरी को फॉलो अप कर रहे हैं जब से आएँ। एंड ये बेनज़ीर वाटरफॉल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं, मज़े में होंगे। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन जगह एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, जो लोग पेट्रोल से तंग हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं कि भाई कहाँ जाए, जो स्पेशली ट्रैवल के शौकीन हैं, उनको दिल चाह रहा है यार नेचर से कनेक्ट होने का, और दिल चाह रहा है यार कहीं थोड़ा दूर से जाएं और थोड़ा एक सी जगह विजिट करें जो नेचर ही नेचर हो। तो मुझे एक जगह मिली है कराची के मिडिल ऑफ द सिटी, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं चाहूँगा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा थोड़ा व्यू दिखाए कि कितना प्यारा यहाँ पे व्यू है। यू कैन सी ऑल द मेंटेन थिंग्स हेयर, और पूरा ग्रीनिश ग्रीनिश है, और वहाँ पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखता है, और साथ साथ जो है यहाँ पे कौवे हैं, परिंदे हैं, और बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार यहाँ पे कोई इस तरह का मतलब माहौल है, बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड इवेंट है माहौल है। और टिकट कोई भी नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो टिकट थी यहाँ पे मैं हम जब आए, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि आपको सनसेट दिखा सकें, और जो है उम्मीद ये करता हूँ कि अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जगह कैमरामैन जो कि बड़ा नोटिस बोर्ड में लगाया गया था एक बोर्ड पर, अब यहाँ से शायद हम लोग चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, तो फॉलो मी, देखते हैं कि कितना ऊपर चढ़ सकते हैं। वो तो गए मोटे, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है, और भी फैमिलीज आ रही हैं थोड़ा। नज़ारे देख सकते हैं कितने प्यारे नज़ारे हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बता रहे हैं कि यहाँ से इधर जाएं ऑल दैट, उसके बाद फिर आपको व्यू पता चलेगा। साथ साथ जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये भी एक अलग पॉइंट है, उस तरफ अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे, लेकिन सर ने कहा कि पहले थोड़ा सा वो विज़िट करें, वो थोड़ी सी ऊँची पहाड़ी है, देन उसके बाद हम ग्रेजुअली उस तरफ वॉक करते हुए जाएंगे। देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, 10-15 मिनट हुए हैं, ट्रैकिंग सिस्टम दिख रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है, और कोई ऐसा माहौल तो अभी तक नहीं शो हो रहा कि देख ले यार ये कहाँ है कहाँ नहीं है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और बहुत अच्छी जगह है। आई सजेस्ट कि आप पीस अपने माइंड पीस के लिए भी यहाँ आएँ, विज़िट करें और देखें यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं एंड ऑल दैट। और साथ साथ में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एम्बियंस है, और यहाँ के लोग बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं। और अब थोड़ा सा मुझे गंदगी दिखी है, अदरवाइज सब जो है बहुत अच्छा चल रहा था, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी लोकेशन जहाँ से मुझे ट्रैक करके जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। कांटे देख सकते हैं, खतरनाक कांटे हैं,
चल रहे हैं और यहाँ से देखते हैं सुभान अल्लाह थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी लग रही है क्योंकि सर्दियों का मौसम भी आ रहा है। ओह सुभान अल्लाह पूरा किडनी हिल जो बड़ा मशहूर है दिस साइड लोगों के वहाँ पहुँच सके कुछ फैमिली मिले तो आपके हौसला मिले क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कम आए हैं और व्यू चेक करें सुभान अल्लाह शहर के बीच में नाइस देखें कितनी हिल पर टॉप पे लोग बैठ जा रहे हैं पहुँचे हुए हैं। इधर मेन पॉइंट है हमारा आने का। ये गाड़ियाँ आई हुई हैं फैमिलीज आई हुई हैं हमें पता नहीं था कि हम भी हमें गाड़ी शाड़ी ले आते नाजरीन। अब ऑलमोस्ट हम जो मेन पॉइंट है जिस वजह से ये जगह मशहूर है फेमस है जो कि व्यू लिखा होता है उसमें हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं जो कि मैं चाहूँगा हेयर इट इज़। और बड़ा प्यारा व्यू है थोड़ा सा बाग का एक शेप दिया हुआ है ग्रीन ग्रीन थोड़ी सी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स भी कोर से देखो तो दिख रही हैं और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोग कराची में रहते तो आई एम श्योर आप लोगों को आना चाहिए। बहुत इजी रास्ता है सिर्फ गूगल में आपको डालना है कि भाई किडनी हिल्स कहाँ है सिंपल आप लोगों को वो अपनी वेन्यू पे लोकेशन पे पहुँचा देगा विदाउट एनीथिंग। आप लोग आए यहाँ पे मतलब कोई पैसे चार्जेस नहीं किए शायद ये कैंप सी पोर्ट की जगह है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिक्योर जगह है। फ्रेंड्स इसी व्यू के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे लगा कि वॉइस सही आ रही होगी बट ड्यू टू एयर यहाँ वहाँ पे जो है आवाज़ का इशू था तो सोचा वॉइस ओवर करके आपसे अच्छे से अलाफिस कहते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई विल ट्राई माई बेस्ट के नेक्स्ट व्लॉग जितना जल्दी हो सके आ सके एंड आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है हमारे जितने भी भाई जो फलस्तीन में फंसे हुए हैं उनके लिए भी और जितने भी इन्फ्लेशन चल रहे हैं जिस वजह से काफ़ी चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं और इंशाल्लाह जब ये ठीक होंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह हमारे चैनल में भी कंटेंट आएगा और कंटिन्यूसली अगर जैसे पहले आ रहा था हफ्ते में एक दफ़ा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा तो उम्मीद रखिएगा और इसी खूबसूरत दिल के साथ आपसे चाहिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।